हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉलेज ब्लॉग। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू भी था यहाँ पे मधेपुरा में। जब से आया हूँ तब से एक भी वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और आपने देखा ही होगा मैं कहाँ पे बिजी था, फुटबॉल मतलब ये फुटबॉल वगैरह का जो मैच था वो उसमें भी बिजी था। तो आज हम एक ऐसे वीडियो लेके आए हैं कि इसका इस वीडियो का बहुत डिमांड चल रहा है क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा है कि सर आप बताइए कि हॉस्टल फी चार्ज क्या है। और ये स्पेशली मधेपुरा स्टूडेंट के लिए, जो भी अगर नए स्टूडेंट भी आते हैं तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। और जो भी हॉस्टल लेना चाहते हैं, हॉस्टल अपना एकोमोडेट करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो रहेगा। तो मैं पूरा उसको हॉस्टल का डिटेल दूंगा कि कितना फी लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे हॉस्टल एकोमोडेट करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को हॉस्टल के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सिर्फ मैं मधेपुरा कॉलेज को लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने जैसा नोटिस में आया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मधेपुरा का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा क्या नोटिस आया मधेपुरा की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से। तो हॉस्टल फी जो है, मैं बता रहा हूँ, समराइज कर देता हूँ पूरा। तो हॉस्टल फी जो आपको मिलेगा वो एक सेमेस्टर के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए, क्योंकि सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का होता है, तो उसका जो फी रहेगा 4,800 रुपीज रहेगा। 4,800 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एक सेमेस्टर का। वो आपको सिर्फ हॉस्टल फी रहेगा, आपको रहने का वहाँ पे रहेगा। फिर जो एक मंथ का आपका वही हो जाएगा 800 रुपीज, आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो। और जो मेस का चार्ज रहेगा वो रहेगा आपको 3,200, मतलब 3,200 रुपीज पर मंथ आपको देना पेड करना पड़ेगा मेस के लिए। यहाँ पे आपको पूरा जो भी मेस में खाना रहेगा, अभी तो वो रोटी नहीं निकला है, मतलब क्या क्या मेनू नहीं निकला है, क्या क्या खिलाएंगे, तो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये कंफर्म हो गया है कि आपको 3,200 पे करना पड़ेगा मेस के लिए पर मंथ के लिए। तो यहाँ पे और फिर एक और फी इंक्लूड किया है, कोटेशन फी। जिस ये होगा आपको क्या मतलब कोटेशन फी जो रिफंडेबल होगा, वो आपको लास्ट में जब भी आप हॉस्टल से रिमूव हो जाएगा, मतलब छोड़िएगा हॉस्टल, तो आपको वहाँ पे ये मनी बैक कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। इसका जो अमाउंट है वो 3,500 रुपीज़ है, मतलब 3,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा वन टाइम, ये एक ही बार के लिए होगा। और जो दूसरा फी आपको मैं बता देता हूँ वो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फी है। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फी वो सिर्फ 50 रुपया रहेगा, मतलब जो भी आप रजिस्टर करते हैं स्टार्टिंग में तो वो 50 रुपया रहेगा। तो आपको मैं एक समराइज दे देता हूँ कि जो आपका सेमेस्टर में लगेगा खर्चा वो मैं एक सेमेस्टर का बता देता हूँ। तो हॉस्टल फी का जो होगा वो आपको 4,800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा सिर्फ हॉस्टल का। फिर मेस का 3,200 रुपीज पे करना पड़ेगा 1 मंथ का, नॉट 1 सेमेस्टर बट 1 मंथ। और अभी जो आपको पे करना है, जब आप हॉस्टल अभी स्टार्टिंग में लीजिएगा तो आपको पे करना पड़ेगा 14,750 रुपीज। आप टोटल अगर करते हैं सभी को 4,800 रुपीज, फिर 3,500 रुपीज, फिर 50 रुपीज, फिर 6,400 रुपया, क्योंकि जो अभी जो ले रहा है वो मेस का खर्चा वो 2 महीने के लिए ले रहा है आपसे। तो आप टोटल काउंट कीजिएगा तो 14,700 रुपीज़ आपको एक बार में पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता आपको कि इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आपको ये कंप्लीट पे वन टाइम पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है। हमने ऑलरेडी सर से बात कर लिया है कि सर क्या इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो सर ने मना कर दिया कि कोई भी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है। और आपको अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, अगर आप हॉस्टल में ऑलरेडी एडमिशन ही करके आए हैं तभी हॉस्टल आपको मिलेगा, तो एडमिशन का टाइम जो भी आपको रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट मिला होगा वो आपका लगेगा। फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा, फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, फिर लास्ट सेम का रिजल्ट लगेगा। अगर आप न्यूली एडमिशन लिए हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं देना है, ये सिर्फ जो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे रिजल्ट लगेगा। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑनलाइन हॉस्टल के लिए पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको उसका रिसिप्ट जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था समरी हॉस्टल का फी और डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और एक और बात, मैं आपको हॉस्टल का पूरा दिखा दूंगा कि कैसा हॉस्टल दिखता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हॉस्टल घूम के आया, तो बहुत अच्छा मतलब वो फैसिलिटी दिया गया हॉस्टल का। टेबल दिया गया है, एक चेयर दिया गया है, फिर एक बेड दिया गया है, और एक सिंगल रूम टाइप है, फिर एक ट्रिपल रूम टाइप है। डबल रूम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, एक में 3 लोग रहेंगे, 3 स्टूडेंट, और फिर आपको एक में सिंगल रूम, तो सिंगल रूम का कमी चांस है, ट्रिपल रूम आपको मिल सकता है इसलिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।